होता है बच्चों के अंदर? हाँ, बच्चों के अंदर इनोसेंस होता है, बच्चों के साथ हमेशा मजा आता है। और जो प्रोग्राम, दिस इज अ डेमोंस्ट्रेशन ऑफ फ्लिप फॉर मैक, ये हर उम्र की लड़कियों के लिए है, औरतों के लिए है। तो बच्चों से हमने शुरुआत की और काफ़ी मज़ा आया। मैं उनके साथ एक पोएम रिसाइट कर रही थी और इट वाज जस्ट वंडरफुल एनर्जी। दिस इज अ डेमोंस्ट्रेशन ऑफ फ्लिप फॉर मैक मौजूद थी, वो सभी हम लोगों के लिए एक मिसाल है और हम इनसे बहुत प्रेरित हुए। कुछ कुछ कहानियों को सुन के तो यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसे भी होता है, पर उन्होंने उन संघर्षों का सामना किया और आज अपनी ज़िंदगी अपने शर्तों पे जी रही है। इससे बड़ी क्या बात है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अपने अहमियत का एहसास बहुत ज़रूरी है किसी के लिए भी, खासकर औरत के लिए, क्योंकि जिस तरह से हम जिस माहौल में हम बड़े हुए हैं उसमें औरत को कभी ये बताया नहीं जाता कि वो वैल्यूबल है। ज़्यादातर, मैं हर किसी की बात नहीं कर रही हूँ, पर ये एहसास होना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ अ डेमोंस्ट्रेशन ऑफ फ्लिप फॉर मैक, स्पेशली नो मोर कमज़ोर जैसी पहल जो है, पहले तो जागरूकता फैलाता है और उसके अलावा हर औरत को स्पेशल फील कराता है, उसकी अहमियत का एहसास। एक दिन में डिसअपियर नहीं होंगी जी, हम बहुत आगे बढ़े हैं, बहुत आगे पहुँचे हैं और बहुत लंबा रास्ता तय करना बाकी है, पर आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू सिट बैक एंड अप्रिशिएट द डिस्टेंस वी ट्रैवल्ड सो फार। एक दूसरे के अचीवमेंट्स को ऑनर करना, अप्रिशिएट करना, सराहना, वो भी बहुत ज़रूरी है। उससे बहुत दूसरे लोग प्रेरित होते हैं। दिस इज़ अ डेमोंस्ट्रेशन ऑफ फ्लिप फॉर मैक। तो आई थिंक इट्स इम्पॉर्टेंट टू सेलिब्रेट वुमेन्स डे इन द राइट स्पिरिट। मुझे लगता है कि हमारे देश में, मैं किसी और देश की बात नहीं करूँगी, पर हमारे देश में वैल्यू बहुत कम है ह्यूमन लाइफ की। और अगर वो शादी के साइड इफेक्ट्स अच्छी चल रही है, इट्स बिन अ गुड वीकेंड डिस्पाइट द क्रिकेट मैचेस, और सभी को अच्छा लग रहा है, जैसे हमने कहा था सबसे कि आप मुस्कुराते हुए दिस इज अ डेमोंस्ट्रेशन ऑफ फ्लिप फॉर मैक, भी मैसेजेस आ रहे हैं, फोन कॉल्स आ रहे हैं, बस सब यही कह रहे हैं कि हाँ, बहुत दिल खुश हो गया, लगा कि हम एक दूसरे को पर्दे पर देख रहे हैं, लोगों को हमने मुस्कुराया, इसी से हम बहुत खुश हैं। शेयर करना चाहिए जो ये ऐसा इंसिडेंट, कोई भी। दिस इज अ डेमोंस्ट्रेशन ऑफ फ्लिप फॉर मैक। एक्चुअली आज जिनसे मैं मिली, किसी एक का नाम मैं नहीं लेना चाहूँगी, पर इतने स्ट्रॉन्ग अचीवर्स हैं, हर एक की कहानी में कुछ ना कुछ सीख है, और मुझे लगता है कि आई जस्ट फील वेरी हम्बल्ड, इंस्पायर्ड ऑफ कोर्स, पर वेरी हम्बल्ड। उनके मुकाबले तो लगता है कि हमने जिस तरह की स्ट्रगल्स लाइफ में देखी है कुछ भी नहीं। खास यही होता है कि ऑफ कोर्स एक दूसरे को विश करते हैं। इसके अलावा आई थिंक ये मेरे लिए सबसे खास वुमेंस डे होगा, क्योंकि मैंने इस प्रोग्राम में हिस्सा लिया है, भाग लिया है, क्योंकि बाकी तो हम एक दूसरे को विश करते हैं, कभी फ्रेंड्स के साथ बाहर चले जाते हैं, पर इस प्रोग्राम को दिस इज़ अ डेमोंस्ट्रेशन ऑफ फ्लिप फॉर मैक। आई एम श्योर कि उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं, किसी ना किसी की ज़िंदगी में इसका पॉजिटिव असर ज़रूर होगा, पॉजिटिव साइड इफेक्ट होगा। नीडलेस टू से, मेरी माँ मेरी लाइफ की सबसे इम्पॉर्टेंट वुमन है, और मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे दो सेट्स ऑफ पेरेंट्स हैं, तो मेरी दूसरी माँ भी है, मेरी बड़ी बहन प्रिया, और अब एक और जुड़ गई हैं। दिस इज़ अ डेमोंस्ट्रेशन ऑफ फ्लिप फॉर मैक। तो टू ऑल ऑफ यू एंड टू माई वंडरफुल मदर इन लॉ एंड टू एवरी सिंगल स्पेशल वुमन ऑन द फेस ऑफ दिस प्लैनेट, वेरी हैप्पी वुमेंस डे। थैंक यू। हाय, दिस इज विद्या बालन विशिंग ऑल ऑफ यू अ वेरी हैप्पी वुमेंस डे। मोर पावर टू यू।